Assalamu alaikum students. As you know, the syllabus of ADP Economic consists of three main portions. The first portion is macroeconomics, second one is microeconomics, and the third one relates to issues of Pakistan economy. हम अपना पहला पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स मुकम्मल कर चुके हैं. हम इसका दूसरा बड़ा पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ये है डिमांड. व्हाट इज डिमांड? वी नो दैट पीपल हैव न्यूमरस वांट्स विच वेरी इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी. जस्ट desiring or wanting things is not enough to create a demand. Suppose a mill worker desires or wants to have a car but does not have the necessary means to buy it. This desire is ineffective and will not become a demand. Similarly, a miser may desire to have the car, has means to purchase it but will not spend the money. His desire would not constitute a demand. Thus, we define demand for a commodity or service as an effective desire. For example, a desire backed by purchasing power as well as willingness to pay for it. डिमांड को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इससे मुराद है हमारी कोई भी वांट, कोई भी ख्वाहिश. लेकिन इंसान की हर वांट, हर उसकी डिज़ायर वांट डिमांड नहीं कहलाएगी. इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी वांट्स, बहुत सी डिज़ायर्स रखता है, लेकिन वो सब के सब इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी में डिमांड नहीं कहलाती. बल्कि हमारी किसी भी ख्वाहिश, किसी भी वांट या किसी भी डिज़ायर के डिमांड बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उस कमोडिटी को ख़रीदने की परचेजिंग पावर भी मौजूद हो. मिसाल के तौर पर, जैसे कि एक मिल वर्कर अगर वो चाहता है, जैसे कि वो एक डिज़ायर रखता है कि उसके पास एक अदद गाड़ी हो, लेकिन चूंकि उसके पास गाड़ी को ख़रीदने के लिए कोई मीन्स नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, तो उसकी ये डिज़ायर डिमांड नहीं बन सकती. गोया हर हमारी वो डिज़ायर ही डिमांड बनेगी जो जिसके लिए, जिस शेय को ख़रीदने के लिए हमारे पास परचेसिंग पावर भी मौजूद हो. बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि किसी कमोडिटी को ख़रीदने की आपके पास परचेसिंग पावर तो मौजूद हो, लेकिन आप उस कमोडिटी को ख़रीदना ही ना चाहते हो. तब भी आपकी वो जो एक यानी आपकी कंडीशन पूरी हो रही कि आपके पास परचेसिंग पावर मौजूद है, लेकिन आप चूँकि उसको नहीं ख़रीदना चाहते, तब भी ये कंडीशंस भी डिमांड में फॉल नहीं करेगी. एक तीसरी बात जो कि अक्सर ये भी देखने में आती है कि आपको किसी कमोडिटी या सर्विस को हासिल करने की डिज़ायर तो मौजूद है, लेकिन और आपके पास जो है उसकी परचेसिंग पावर भी मौजूद है, आप उस कमोडिटी को ख़रीद भी सकते हैं और आप ख़रीदना चाहते भी हैं, लेकिन आप उस परचेसिंग पावर को यानी अपनी इनकम के बदले उस कमोडिटी को ख़रीदना नहीं चाहते, यानी यू आर नॉट विलिंग टू बाई दिस कमोडिटी बाई स्पेंडिंग योर इनकम. ये आमतौर पर ज़्यादा कौन से लोग होते हैं, हम इनको माइजर्स या हम इनको जो है वो कंजूस लोग ख्याल करते हैं. वो ज़ाहिर है कमोडिटीज़ को ख़रीदना भी चाहते हैं और उसकी ख़रीदने की परचेजिंग पावर भी रखते हैं, लेकिन वो ख़रीदते नहीं हैं क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा कंजूसी ज़ाहिर करते हैं. चाचे, हमारी हर वो ख्वाहिश, कौन सी हमारी ख्वाहिश, कौन सी डिज़ायर या वांट जो है वो डिमांड कहलाएगी इकोनॉमिक्स की रूह से? हर वो डिज़ायर कि जिस को ख़रीदने की आपके पास जो है वो परचेसिंग पावर भी हो और आप विलिंग भी हो कि उस परचेसिंग पावर के बदले उस शेय को ख़रीद लें. चाचे, जब ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हमारी डिज़ायर डिमांड बन जाएगी. दी डिमांड अराइजेस आउट ऑफ दी फॉलोइंग थ्री थिंग्स, डिज़ायर और वॉन्ट ऑफ द कमोडिटी. आपके अंदर किसी शेय को ख़रीदने की डिज़ायर मौजूद हो, वॉन्ट हो, जैसे कि अमीर लोगों के पास जो है वो कमोडिटी को पे करने की
एबिलिटी मौजूद होती है, उनके पास इतने सोर्सेज, इतनी इनकम मौजूद होती है कि वो आसानी से कमोडिटी को ख़रीद सकते हैं, लेकिन चूंकि बाद चीज़ों को वो ख़रीदना नहीं चाहते, उनकी वो डिज़ायर ही नहीं रखते, तो इस तरह जो है वो डिज़ायर जो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो उनकी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकेगी। द सेकेंड वन, एबिलिटी टू पे, यानी सिर्फ वो डिज़ायर्स, वो वांट्स कि जिनको ख़रीदने की आपके पास परचेजिंग पावर हो, आपकी पॉकेट में इतने पैसे मौजूद हों कि आप उस शेयर को ख़रीद सकें, आपके अंदर एबिलिटी टू पे फॉर डेट कमोडिटी मौजूद हो, तो तब जो आपकी डिज़ायर है वो डिमांड बन सकेगी। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले भी एग्जांपल में, जैसे कि एक फ़कीर चाहता है कि वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर ख़रीद ले, लेकिन ये उसकी डिज़ायर तो है, लेकिन उसके पास चूंकि इसको ख़रीदने के पैसे मौजूद नहीं है, एबिलिटी टू पे मौजूद नहीं है, परचेसिंग पावर मौजूद नहीं है, तो उसकी ये डिज़ायर जो है वो डिमांड नहीं बनेगी। एंड देन विलिंगनेस टू पे, वो उस शेयर को ख़रीदने के लिए अपनी इनकम खर्च करने पर विलिंग भी हो। जैसे कि अभी हमने कंजूस लोगों की मिसाल दी कि बाज़ वो डिज़ायर भी रखते हैं, परचेजिंग पावर भी होती है, लेकिन वो अपनी आमदनी को शेयर पर ख़रीदने पर खर्च नहीं करते, गोया विलिंग नहीं होते। चूँकि विलिंगनेस टू पे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गोया हर ऐसी ख्वाहिश, ओनली वेन आल दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट देन दी कंज्यूमर प्रेजेंट्स हिज डिमांड्स इन दी मार्केट, यानी तभी ऐसा होगा कि उसकी जो डिज़ायर है वो वांट बन जाएगी, जब कमोडिटी की डिज़ायर भी मौजूद हो, एबिलिटी टू पे भी मौजूद हो और विलिंगनेस टू पे मौजूद हो, तब एक डिज़ायर जो है वो इकोनॉमिक्स की टर्म की डिमांड बन जाती है और हम देखते हैं कि फिर मार्केट में उस कंज्यूमर की डिमांड मौजूद होती है। व्हाट इज डिमांड, हाउ द इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड द डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जी, डिमांड से मुराद एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कंज्यूमर जो है वो ख़रीदने के लिए मुकम्मल तौर पर विलिंग हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। आप तो ऐसा कंज्यूमर जानते ही हैं कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कमोडिटी की जो है वो हमेशा कोई ना कोई प्राइस जो है वो पे करना पड़ती है। बहुत सी कमोडिटीज़ जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, या बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आपको अपनी मदर की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। ये सारी इन चीज़ों की डिमांड, जैसे ऑक्सीजन की डिमांड, मदर की सर्विसेज की डिमांड, ये हमारी इकोनॉमिक्स में ये डिज़ायर्स डिमांड नहीं कहलाती, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। हर वो कमोडिटी जो कि आपको कीमतन जो है वो दस्तयाब होती है, वही जो है कमोडिटी की डिमांड, वो डिमांड कहलाएगी। गोया कि ऐसी कमोडिटीज़ जो कि आपको प्राइस से मिलती हैं, मुफ्त अवेलेबल नहीं होती, और ये किसी न किसी वक्त के साथ अटैच होती है। हम अगली स्लाइड में इंशाल्लाह देखेंगे कि डिमांड का प्राइस और टाइम से किस तरह रिलेशनशिप है, हम इसको आगे स्टडी करेंगे। अनदर डेफिनेशन ऑफ डिमांड बाय द प्रोफेसर बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। यानी कि कोई भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी, यानी हम दो चीज़ें यहाँ देखेंगे कि उस कमोडिटी की जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो बाय की जा रही है और उसका कितने टाइम के लिए, यानी कि क्या उसकी वो डिमांड जो है वो डेली है, वीकली है, मंथली है, और फिर जो है वो जिस प्राइस पर की जा रही है। इन तीन चीज़ों का दरमियान जो रिलेशनशिप है ये दरहकीकत में डिमांड कहलाता है। प्रोफेसर हैंसन के मुताबिक, By demand, we mean the quantity of a commodity that will be purchased at a particular price and not merely the desire of a thing. गोया किसी चीज़ की महज जो डिज़ायर है वो डिमांड नहीं है, बल्कि हर ऐसी कमोडिटी की डिज़ायर जिसको जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर आसानी के साथ ख़रीदा जा सके, गोया कि आपके पास परचेजिंग पावर भी हो, तो ये डिमांड कहलाती है। आपने देखा कि तीनों जो डिमांड की डेफिनेशंस हैं, इसमें यही बात की गई है कि हर वो डिज़ायर जिसकी को ख़रीदने के लिए जो है वो हमारे पास परचेजिंग पावर भी हो और विलिंगनेस टू पे भी मौजूद हो, वो हमारी डिज़ायर डिमांड बन जाती है।
डिमांड विद रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम। आपने देखा कि पीछे तीनों इकोनॉमिस्ट ने जो डिमांड की डेफिनेशन बयान की उसमें उन्होंने बताया कि डिमांड एक ऐसी डिज़ायर का नाम है जो कि किसी खास प्राइस पर और किसी स्पेसिफिक प्राइस पर और स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से जो है वो की जाती है। गोया हम देखते हैं कि प्राइस और टाइम का आपस में किस किस्म का रिलेशनशिप है। इट मस्ट बी रिमेंबर डेट द डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर प्राइस। एनी चेंज इन प्राइस विल नॉर्मली ब्रिंग आउट अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। गोया डिमांड जो है वो हमेशा किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर ही की जाती है। अगर आपको प्राइस मालूम नहीं है तो आप कतई नहीं बता सकते कि आपकी डिमांड कितनी है। हो सकता है कि प्राइस इतनी ज़्यादा हो कि आपके पास डिमांड हो ही ना, आप उस शेयर को खरीदने की ताकत ही ना रखते हो, या प्राइस अगर कम हो तो आपकी उस शेयर के लिए जो है वो डिमांड क्रिएट हो जाए, क्योंकि प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कमोडिटी की आपकी डिमांड कितनी है तो आप ये नहीं बता सकते जब तक कि आपको उसकी प्राइस का इल्म ना हो, क्योंकि जब शेयर की प्राइस कम होगी तो हो सकता है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और बढ़ती हुई कीमतों पर आपकी डिमांड कम होती चली जाए, या प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप उसको डिमांड ही ना कर सकें और आपकी डिमांड ज़ीरो हो जाए और आपकी वो डिज़ायर सिर्फ डिज़ायर ही रह जाए और वो डिमांड की कैटेगरी में फॉल ही ना करे क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इस तरह डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस से की जाती है। प्राइस को बताए बगैर आप अपनी डिमांड को डिटरमिन नहीं कर सकते। इन द सेम वे प्राइस इज आल्सो विद रेफरेंस टू टाइम। इन एडिशन टू प्राइस डिमांड इज आल्सो यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अम्ब्रेला विल नॉट बी एज हाई इन विंटर एज ड्यूरिंग रेन्स। The demand for any commodity or service, therefore, must be stated with reference to price and relevant point of time. Time, जिस तरह price का demand से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसी तरह जो है हम अपनी demand नहीं बता सकते अपना time span बताए बगैर। सबसे पहली बात तो ये कि demand जो है वो कितनी देर के लिए है। क्या demand जो है वो सबसे पहले आपको time का पीरियड का अंदाजा करें कि क्या आपकी डिमांड जो है वो एक दिन के लिए है, वन वीक के लिए है, या जो है वो वन मंथ के लिए है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि किसी कमोडिटी की जो है वो डिमांड कितनी है तो आपको सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप रोज़ाना 1 लीटर मिल्क यूज़ करते हैं तो 1 डे के लिए जो आपकी डिमांड होगी वो होगी 1 लीटर, और 1 वीक के लिए मिल्क की डिमांड आपकी कितनी होगी, ज़ाहिर है 7 लीटर होगी, और 1 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी, 30 लीटर ऑफ मिल्क। तो इस तरह जो है वो टाइम के साथ जो है वो डिमांड आपकी हमेशा स्पेसिफिक होती है। फिर टाइम टू टाइम की वैली भी करती है, जैसे कि अगर सीजनल चेंजेस, जैसे विंटर में आप देखेंगे वो तमाम तर लवाजमात जो कि हम अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि इन द समर सीज़न इन सब चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जबकि इसी तरह जो है वो मौसमी सरमा में जो हैं वो ठंडे मशरूबात जो हैं उनकी डिमांड बहुत कम होती है और समर सीज़न में उनकी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वो ये हम कह सकते हैं द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी या सर्विस मस्ट बी स्टेटेड विद रेफरेंस टू नॉट ओनली टू द प्राइस बट आल्सो रेलिवेंट पॉइंट ऑफ द टाइम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो डिमांड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिमांड का प्राइस से क्या ताल्लुक है, और हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और स्पेशली लॉ ऑफ डिमांड जहां दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बयान किया गया है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, इसको स्टडी करेंगे।